ये सामने ही मेरा फ्लैट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं है, इतनी गंदगी, सांस नहीं आती, ऑक्सीजन खत्म हो गया और यहाँ से कोई पास आउट नहीं होता है, लोगों से कलेक्शन करना मुश्किल हो चुका है, कोई यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय आके यहाँ पे क्लीनिंग नहीं करता है। हमारी एकता आज हम आपको जनता फ्लैट की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी इतनी गंदगी, और वो भी दिल्ली शहर में। यहाँ जो इलाके के पॉकेट 11 के जो RWA के प्रेसिडेंट हैं आरफा, उनसे भी बात कराऊंगा क्या सॉल्यूशन है इसका, इस जो गंदगी है उसका क्या सॉल्यूशन है। इसके लिए मेरी इस कवरेज को, इस वीडियो को आप पूरी देखें और हमारे फेसबुक फ्रेंड्स मीडिया विज़न को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न को सब्सक्राइब करें। शायद भाई यहाँ पॉकेट 11 का बहुत बुरा हाल है, आपने सारा कवर किया, देखा कहीं भी कोई भी जगह आपको मिली जहाँ गंदगी ना हो, और गंदगी भी, और गंदगी के बेशुमार गंदगी जिससे हम लोग बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ डेंगू फैल रहे हैं, हर घर में पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट तक बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो यहाँ 45 से अबाव हो रहा है उसको इतनी ट्रबल है, सांस लेने में प्रॉब्लम। जो अभी इलेक्शन आने वाला है 4 दिसंबर को, उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई भी इस पॉकेट 11 को की तरफ झांक कर देखेगा, और यहाँ के जो पब्लिक हैं, जो लोग रह रहे हैं, एक सारे मजाहिब के लोग गालिबन यहाँ इस पॉकेट 11 में रह रहे हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सभी हैं तकरीबन इस पॉकेट 11 में। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के? मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे जो भी जीते, प्लीज़ हमारी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ सफाई के अलावा हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे घरों की सफाई करवा दीजिए, हमारे सीवर हर रोज़ ब्लॉक होते हैं, अब इतना बुरा हाल है, ऐसा कहीं भी नहीं है, इवन किसी जोड़ती पट्टी का भी बुरा हाल नहीं है, जो कि इस ब्लॉक का, इस डी ब्लॉक का तो खासकर बहुत बुरा हाल, इतना डी और सी में तो ऐसे हो गया है, बहुत बुरा हाल है। आपने पार्क भी देखा, आपने सब चीज़ें देखी, हमारे पास यशपाल जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। आप जो यहाँ की जो अभी 4 दिसंबर को काउंसलर का इलेक्शन भी होने वाला है, उसमें किस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे, और ये जो काम है ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, पैसे भी अलॉट होते होंगे, उन्हें पैसे भी, लेकिन काम नहीं है, उन्हीं पार्टी को मिलेगा जो काम करके देगा। अभी एक महीना है, सबसे रिक्वेस्ट करी जाएगी यहाँ पे सफाई करो, आके जो अच्छे से साफ कर दे, हमारी हेल्प कर देगा, पॉकेट 11 की हालत सुधार देगा, उनको हम वोट दे देंगे, ये हमारा बिल्कुल सही डिसीजन। यहाँ की जो आवाम है, उन्होंने अपना एक मिजाज बनाया हुआ है, जो भी इस पॉकेट 11 की साफ सफाई और इसकी जिम्मेदारी लेगा, हम उन्हें वोट देंगे। आरफा जी क्या कहेंगे आप, यहाँ की प्रेसिडेंट बनी हैं और जो हालात हैं इस जनता फ्लैट पॉकेट 11 के, साफ सफाई बिल्कुल नदारद है, सीवर उबलता रहता है और बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी वैसे ही गंदा आ रहा है, आपने मीटिंग बुलाई है और फिर क्या आज करने जा रहे हैं? हम आज विजिट पे निकले हैं जहाँ जहाँ गंदगी है, वैसे एक हफ्ते से लगातार काम चल रहा है, बहुत गंदगी है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या और कहाँ से शुरू किया जाए। पॉकेट 11 के सबसे बदतर हालात हैं, इतने बुरे हालात कभी पॉकेट 11 के नहीं हुए थे, सीवर उबल रहे हैं,
पानी में लोगों को घरों में सीवर का पानी आ रहा है, बहुत गंदी सड़कें टूटी हुई हैं। आप खुद सर्वे कर लीजिए शाहिद भाई, आप देखिए ना, आपको एक एक चीज दिखा देते हैं कि गुड भाई क्या हाल है पकड़ियारा का। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, और अब करीब एक हफ्ते से सारी टीम लगी हुई है यहाँ पे और काम भी हो रहा है माशाल्लाह, और शायद आगे भी इसी तरह से सारे जुड़े रहेंगे और काम होता रहेगा। और क्या कहते हैं, हम लोग लगे हुए हैं और अभी विजिट करने जा रहे हैं हम डोर टू डोर, नीचे देखना है तो हर ब्लॉक में क्या क्या गंदगी फैली है, उसी हिसाब से हम फिर सिस्टम बनाएंगे और काम करवाएंगे। लोगों को एक साथ कैसे इकट्ठा करेंगे आप? लोगों को हम ऐसे ही उनके जो प्रॉब्लम है, सफाई नहीं हुई है किसी तरीके की, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, इतनी गंदगी है, तो अपने आप ही उनको अवेयरनेस हम करेंगे, घर घर जाके उन्हें बताएंगे, लेडीज को अवेयर करेंगे ताकि वो हमारे साथ मिलकर और एरिया को क्लीन करने में हेल्प करें। आप इस पार्क में खेलने के लिए आते हैं? क्या खेलते हैं आप? या आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, और जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं, मैं कोशिश करता हूं उन बच्चों से पूछने की किस तरह यहां पर कैसे बच्चे गुजारते होंगे, जब स्कूल से इन्हें थोड़ा वक्त मिलता है खेलने कूदने का, तो यहां पर कैसे खेलते हैं आप बेटा? यहां पर इतनी गंदगी रहती है इसमें? पहले हम यहां पर खेलते थे, आप गंदगी नहीं थी, जब से बहुत बुरा हाल है यहां पर, हमारा घर की औरतें आती दूध लेने। ये गंदगी आप देख सकते हैं जनता फ्लैट पॉकेट 11 की है, ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं जनता फ्लैट पॉकेट 11 की, और ये इत्तेफाक से अभी इलेक्शन है 4 दिसंबर को, इसलिए ये सभी लोग इकट्ठा हैं। और देखिए इस फ्लैट की हालत एक जगह की, मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो मैडम हैं उनसे, क्या आप इसी जगह पर रहती हैं? जी बिल्कुल, ये सामने ही मेरा फ्लैट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं है, इतनी गंदगी, सांस नहीं आती, ऑक्सीजन खत्म हो गया और यहाँ से कोई पास आउट नहीं होता है, लोगों से कलेक्शन करना मुश्किल हो चुका है, कोई यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय आके यहाँ पे क्लीनिंग नहीं करता है, अब हम इस वजह से यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया हमारा, इसको जल्दी से जल्दी क्लीन कराना है। आपने इसके लिए कहीं MCD में या किसी दफ्तर में जो काउंसलर के जो मेंबर हैं? कुछ कभी हो गया, साफ हो गया, अदरवाइज वहाँ से कुछ नहीं आता, हमें अपने पर्सनल कूड़ा फेंकने के लिए आते हैं, नाली साफ करने के लिए आता है यहाँ पर कोई भी? सामने सड़कों पर सफाई होती है, झाड़ू लगती है, अंदर ग्राउंड को बोला जाता है तो वो बोलते हैं यहाँ पर नहीं, हम अलाउड नहीं है यहाँ साफ करने के लिए, ये हमें कोई भी यहाँ से कोई नहीं मिलती, अगर अपने पॉकेट से देकर ही हम सब साफ कराते हैं जब भी हमने कराया। ये आप देख सकते हैं जनता फ्लैट पॉकेट 11 की जो तस्वीर है, बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, मेरा कुछ और वक्त यहाँ पर रुकना मुश्किल है, और सोचिए कि लोग किस तरह से रह रहे होंगे यहाँ पर। काम करा रही हैं लेकिन जो यहाँ जो असामाजिक तत्व है जो हैं वो काम नहीं होने दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि कौन असामाजिक तत्व कौन है? इसकी कॉलोनी के कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में अड़चन डालते हैं, कंप्लेंटें करते हैं। किसको कंप्लेन करते हैं, क्या कंप्लेन करते हैं? ये कंप्लेंट करते हैं कि पैसे वो खुद इकट्ठा करते हैं और काम यहाँ कराते नहीं है, जब हम कराते हैं तो जी हम कराएंगे, और खुद भी नहीं कराते हैं और कराने भी नहीं देते हैं जो लोग। जनता फ्लैट की ये तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, या आप देखिए जनता फ्लैट पॉकेट 11 की जो तस्वीरें आज मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप खुद हैरान रह जाएंगे किस तरह यहाँ इंसान रह रहे हैं, किस तरह लोग किराए पे रह रहे हों या जिनका अपना मकान हो। ये देख सकते हैं आप यहाँ कितनी गंदगी है, ये देखिए पानी भरा हुआ है, अभी इलेक्शन आने वाला है 4 दिसंबर को, आपको वोट देना है, किस पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं? भाई हम उस पार्टी को वोट देंगे कोई हमारे जनता फ्लैट पॉकेट 11 के अंदर कोई सफाई करवाएगा, और हमारे पूरे जनता फ्लैट की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, हर लोग यहाँ पे परेशान है, लोग बाग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं पानी की वजह से, और यहाँ पे हर आदमी को हम समझाते हैं कोई सफाई करवाने को तैयार नहीं है, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनसे हम बोलने के लिए जाते हैं, कोई पैसा देने को कोई तैयार नहीं होता सफाई करवाने के लिए, या चौकीदार के कोई 50 रुपये देने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं हमारी कोई भी सरकार हो या कोई भी MLA बने या काउंसलर बने कोई भी बने, हम ये चाहते हैं अपने पॉकेट 11 के अंदर हमें सफाई चाहिए।
फ्लैट पॉकेट 11 की तस्वीर आप देखिए। यहाँ गंदगी का जो आलम है, कभी मुझे नहीं लगता कि साफ़ सफाई हुई है कभी। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं, पार्क में घूमने के लिए आते हैं, और जो वॉकिंग के लिए आते हैं उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे रास्ते बंद कर देते हैं, ऑटो ऑटो गाड़ियाँ खड़ी करके रात में बिरात में कभी कोई इंसान निकल नहीं सकता यहाँ से आराम से। आप देख सकते हैं जनता फ्लैट पॉकेट 11 की जो तस्वीरें हैं, इलाकाई हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे? इतनी गंदगी है, क्या बताऊँ आपको, पूरा जनता फ्लैट गंदा है इस टाइम। आप नौजवान हैं, आप साफ सफाई कीजिए, लड़कों को लेकर के इकट्ठा कीजिए। एमसीडी वाले क्या काम कर रहे हैं, एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं? आप भी तो कर सकते हैं। नहीं, हम तो करते हैं। सारे लड़कों को इकट्ठा कीजिए, संडे के दिन एक दिन साफ सफाई कीजिए, खुद से कीजिए। सब करते हैं, मगर एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, साफ सफाई नगर निगम में क्या हो रहा है? यह आप देख सकते हैं जनता फ्लैट पॉकेट 11 की जो हालात हैं, ये देखिए आप, इस तरह से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के कूड़े को जला के जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पॉकेट 11 और ये देखिए आप, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ब्लॉक सी दिया लिखा हुआ है, ये ब्लॉक सी का ये हालत है। ये आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से पानी जमा हुआ है, किस तरह सीवर है, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह की गंदगी है।